दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर वन डायरेक्टर यानी कि एसएस राजामौली की आने वाली मच अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर को 2022 में 7 जनवरी को रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे ही ये ऑफिशियली जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया, तभी से ही एक सवाल हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी गर्म हो गया है कि भाई, ये तो बात हो गई इस फिल्म के रिलीज डेट की, लेकिन भैया इस फिल्म का पहला टीजर, पहला ट्रेलर कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों, इसको भी लेकर आज एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसको सुनने के बाद अब दर्शक ये कहते नजर आ रहे हैं कि भैया, भले ही ये फिल्म जनवरी के महीने में रिलीज हो रही है सिनेमाघर में, लेकिन हम इस फिल्म के टीजर के लिए दिसंबर तक का क्यों इंतजार करें। तो दोस्तों, क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर वन डायरेक्टर यानी कि एसएस राजामौली की आने वाली मच अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर से, जिसमें इस बार एसएस राजामौली भैया कॉकटेल लेकर आने वाले हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। यानी कि भैया, एक तरफ होंगे टॉलीवुड से जूनियर एनटीआर और रामचरण, तो भैया दूसरी तरफ बॉलीवुड से होंगे अजय देवगन और आलिया भट्ट। यानी कि भैया, इस बार बॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड का ऐसा कॉम्बिनेशन इस फिल्म में देखने को मिलेगा, जिसको देखते ही दर्शक ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि भैया, जब यह फिल्म सिनेमाघर में आएगी तो नो डाउट कई सारे रिकॉर्ड बना देगी। और भैया, इस रिकॉर्ड की शुरुआत अगले महीने की 1 तारीख को ही होने वाला है। यानी कि इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि भैया, इस फिल्म का पहला टीजर लॉन्च कर दिया जाएगा पहले नवंबर को। यानी कि ऑलरेडी इस फिल्म का 2 लुक तो हम लोगों के सामने आ चुका था, यानी कि रामचरण और जूनियर एनटीआर का, जिसको दर्शकों का इतना प्यार मिला कि जिसको देखने के बाद ये बात कही जा रही थी कि भैया, अभी तक तो इन फिल्मों के 2 लुक ही जारी किए गए हैं 2 कैरेक्टरों के नाम के माध्यम से, लेकिन जब इस फिल्म का पहला टीजर, पहला ट्रेलर जब आएगा, तो भैया ये फिल्म कितने सारे रिकॉर्ड बनाएगी। और भाई, इस फिल्म को लेकर फाइनली आज ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है ट्रिपल आर की टीम की तरफ से कि भैया, इस फिल्म का पहला टीजर 1 नवंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा। और उसके साथ ही इस बात की जानकारी भी पुख्ता हो जाएगी कि भैया, ये फिल्म 2022 में 7 जनवरी को रिलीज हो रही है कि नहीं, क्योंकि भैया कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म का भी रिलीज डेट कई बार टला है। और इस बार दर्शकों को भी इस बात पर पूरा यकीन है कि भैया, इस बार एसएस राजामौली अपने वादे से नहीं मुकरेंगे और वो अपनी इस फिल्म को या उसी डेट पर लेके आएंगे जो कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही फाइनल किया है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको एसएस राजामौली की आने वाली इस फिल्म यानी कि ट्रिपल आर के पहले टीजर का कितनी बेताबी से इंतजार है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।